हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सोनी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कोहरा है, मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, आज है 26। देखिए कितना तेज कोहरा है। बॉम्बे में ऐसा नहीं पड़ा, इस बार फर्स्ट टाइम इतना कोहरा पड़ रहा है। ठंडी भी इस बार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नहीं तो इतना नहीं पड़ता था। बॉम्बे में तो हमेशा एक तरह मौसम रहता था, पर इस बार पता नहीं क्यों इतना पड़ रहा है ठंडी। और आज है मेरे जेठ जी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे भैया। और मेरी बेटी भी अपने बड़े पापा को हैप्पी बर्थडे बोलेगी। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। आज मेरे बड़े ससुर के लड़के हैं, मेरे हस्बैंड भी अकेले हैं, वो भी अकेले हैं, तो उनके आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भैया आपको एक बार और बोलती हूँ। और ये देखिए मेरे छत का नज़ारा, मैं हम लोग आए हैं कपड़े डालने। देखिए मेरा कपड़ा रखा हुआ है बाल्टी में। ये मेरा क्लिप जो मैं आगे दिखाऊंगी आप लोग को, ये मेरा 26 तारीख का है और आज मेरे जेठ जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भैया। और मैंने अपनी बेटी के लिए 25 तारीख को मैंने क्या क्या किया था वही सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मैंने उसके लिए केक बनाया था, अप्पे बनाया था। देखिए मैं फटाफट केक का, क्योंकि एक बार मैंने रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ तो इसके लिए मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ। ऐसे मैंने बॉन बिस्किट लिया है, 2 पैकेट, इतना बड़ा बड़ा है, 150 ग्राम का है पैकेट। और मैं इसको मैं ग्राइंड करके फिर उसको पीस लूँगी और दूध के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए फिर मैंने 2 डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है। और देखिए बर्तन तैयार करके फिर आधा बैटर डालकर फिर ऊपर से डेरी मिल्क का चॉकलेट तोड़ कर डाल देंगे ऐसे। वो मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, मैं बना रही थी लावा केक तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए फिर जो चॉकलेट है वो वापस फिर कड़क हो गया था उसके अंदर। और देखिए जो मैंने ओरियो बिस्किट का क्रीम निकाला था तो मैंने ऐसे लिख दिया है, क्रिसमस नहीं लिखा तो मेरी बस लिख दिया। फिर मैं अप्पे बना रही हूँ, अप्पे के लिए उसी टाइम मैंने छाछ में रवा घोल कर मैंने रख दिया है। मैंने 3:30-4 बजे करीब में मैंने भिगाया था और अभी मैं 6 बजे बना रही हूँ शाम के टाइम में। तो देखिए मेरा भीग चुका है अच्छे से। फिर उसमें मैं प्याज टमाटर मटर जो भी ये सब मैं डालूँगी, और डालने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा तड़का डालूँगी। मिर्ची पाउडर भी मैंने थोड़ा डाला, अप्पे मेकर चढ़ा दूँगी। ये भी मैं डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही बता रही हूँ आप लोगों को फटाफट। उसमें राई का और करी पत्ता, मेरे पास करी पत्ता नहीं था, राई था तो राई का मैंने तड़का दे दिया है। और तड़का देने के बाद देखिए अप्पा मेकर भी गरम हो रहा है, उसमें भी हल्का हल्का तेल ग्रीस कर देंगे और फिर उसके बाद डालेंगे बैटर को। देखिए मैं डाल रही हूँ और हमारे और कॉलोनी मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें आया था सेंटा क्लॉस आया था तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पानी डालूंगी। अगर आपके पास छाछ कंपनी है ना तो छाछ डाल दीजिए कॉलोनी में जाकर। अगर छाछ नहीं है तो बच्चों भी चलेगा को चॉकलेट बांटा था, जो खट्टा भी बहुत अच्छा लगता है। सेंचुरी की पूरी जितनी कॉलोनी है उसमें तड़का था। थोड़ा सा इसमें मैं सोडा डालूंगी, सोडा आपके इनो नहीं है तो सोडा डाल सकते हैं। मेरा अप्पे तैयार है, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए अप्पे। देखिए सोडा मैंने डाल दिया, आया था संता। देखिए रेड नमक डाल देंगे, फ्रॉक पहनी हूँ मेरी बेटी है, सबको चॉकलेट दे रहा है, दे रहे हैं, स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे। बीच में मेरी बेटी भी बोल रही है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा था ये, जैसे आ गए अचानक आए थे तो सोने पर सुहागा बोलते हैं ऐसा हो गया। उसको एंजॉय करना था बस का खाने पीने से, पर ये भी आ गए तो उसको और अच्छा लगा कि मम्मी क्रिसमस के दिन ऐसे मिले हम लोग, अच्छा लगा। और उसको 2 चॉकलेट मिला था तो, और सारे बच्चों को एक एक मिला था, उसको 2 मिला था तो और खुश हो गए, बोले मम्मी उन्होंने मेरे मुझे बुलाया अपने पास,
मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो देखिए जिंगल बेल ये उन लोग को सॉन्ग सुनाया और सारे बच्चों को चॉकलेट बांटा। अभी मेरी बेटी घर में भी डांस वगैरह करेगी अपने फ्रेंड लोग के साथ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। देखिए मेरी बेटी डांस भी कर रही है ऐसे अपने फ्रेंड लोग के साथ। ये सामने जो ये रुद्वी है और भाभी छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, अभी सब केक कटिंग करेंगे। मैं उन लोग के लिए सब ला कर रख रही हूँ। ऐसे बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं उसे पूछ रही हूँ कभी केक कटिंग करोगी, तो बोली हाँ मम्मी केक कटिंग करूँगी। देखो उसके पापा भी आए हैं, अभी हाथ में सब सामान है उनके। मैं उन लोग को केक कटिंग करवाऊँगी। खा खा कर रही है। देखिए सारे बच्चे सामने जो है वो है आयुष और उसके पीछे है दक्ष जिसको मैं गोदी में उठा रही हूँ। सब मिलकर सारे बच्चे कटिंग करेंगे। तो ऐसे मैंने अपनी बेटी को क्रिसमस इंजॉय करवाया था। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। देखिए एक और लव्यांश है, दक्षु का भाई है लव्यांश, तो उसको हम लोगों ने हाथ पकड़ कर करवाया। और खिला रही है सबको। केक बहुत टेस्टी बना था, उसको बहुत पसंद आया था। ब्राउनी केक हो गया था ये। आप लोग भी खा लीजिए केक। आप लोगों ने अपने बच्चों को क्या करवाया क्रिसमस में आप लोग बताइएगा। अभी न्यू ईयर आने वाला भी है तो फिर मिलजुल कर मेरी बेटी ने सबके साथ मनाया क्रिसमस का। उसने ऐसे फर्स्ट टाइम मनाया, नहीं तो हमेशा बोलती थी मम्मी मुझे मनाने का है, मम्मी मुझे मनाने का है, तो हर बार नहीं कर पाती थी। पर इस बार मैं बोली नहीं, इस बार अपनी बेटी को मैं करवाऊँगी। और साथ में सेंटा क्लॉस आ गया था तो और उसको बहुत अच्छा लगा था। सबको देखिए ऐसे घूम घूम कर केक खिला रही है और सब डांस वांस सब की हैं। उसके पापा बाहर जा रहे हैं। ये म्यूजिक उसकी दादी भी आ गई हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।